नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अनुराग सिंह चौहान आज हिंदी साहित्य की आधुनिक काल की सर्वलोकप्रिय विधा संस्मरण में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। बच्चों, हिंदी साहित्य की यह विधा सही मायने में एक ऐसा प्रारूप सामने लेकर के आती है जो कि पूर्णतः स्मृतियों पर आधारित होती है। देखिए, लेखक जब किसी व्यक्ति को आधार बनाकर अपनी बात रखता है तो वह उससे गहन लगाव रखता है, उसके चिंतन के केंद्र में वह व्यक्ति होता है और वह उससे जुड़ी प्रत्येक घटना को इतिहास क्रम के अनुसार संजोता है। हिंदी साहित्य में संस्मरण विधा का जो प्रथम संस्मरण है वह डॉक्टर प्रताप नारायण मिश्र के रूप में बालमुकुंद गुप्त द्वारा लिखा गया, इसे हिंदी का प्रथम संस्मरण माना जाता है। ये हिंदी का प्रथम संस्मरण है। वहीं इसके जनक डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा को माना गया है। अब प्रश्न उठता है कि संस्मरण विधा क्या है। अंग्रेजी के शब्द मेमोयर्स का मतलब है स्मृति, से संस्मरण शब्द अस्तित्व में आया। इसमें लेखक किसी व्यक्ति से जुड़ी हुई उसके जीवन की समस्त महत्वपूर्ण घटनाओं को एक आधार प्रदान करता है और ये सब कुछ स्मृतियों पर आधारित है। इसमें तीन चीजें प्रमुख होती हैं, लेखक का व्यक्ति से पूर्ण संबंध, उसका क्रिया व्यापार केंद्र में और पाठक की मनोस्थिति भी इसके केंद्र में है। अब सवाल यह उठता है कि संस्मरण वास्तव में कहाँ से जन्मा, क्या संस्मरण लेखक के गुण होते हैं, संस्मरण विधा की क्या विशेषताएं हैं, वो देखते हैं। जब कोई भी घटनाक्रम हमारी स्मृतियों पर एक प्रकार की छाप छोड़ देता है, किसी भी व्यक्तित्व के से हम प्रभावी होकर के उससे जुड़ी हुई प्रत्येक चीज को, उससे जुड़ी हुई घटना को जब हम शब्द अथवा क्रिया व्यापार से हम जोड़कर चलते हैं, तब निस्संदेह ऐसी स्थिति सामने आती है। तो देखिएगा,
संस्मरण विधा का स्वरूप। सर्वप्रथम लेखक घटना क्रम को इतिवृत्तियों में परखता है। ये घटनाक्रम कैसे कि ये एक व्यक्ति है, इसके द्वारा किया गया कोई भी क्रिया व्यापार जब शब्द रूप अर्थ रूप प्राप्त कर लेता है तो लेखक इसको मान्यता प्रदान करता है। और वह इसमें पाठक वर्ग की तुष्टि को अंगीकार करते हुए यथा योग्य ग्राह्य बनाता है। पद्म सिंह शर्मा ने कहा था संस्मरण वस्तुतः मानवीय परिस्थितियों का वह स्वतंत्र चित्रण है जो विविध क्रियाकलापों का यथासंभव व्यक्ति विशेष के संदर्भ में पूर्ण केंद्रण प्रस्तुत करती है। इनके जो संस्मरण है उन्हें पद्म पराग में संकलित किया गया है। अब संस्मरण विधा की प्रवृत्तियां किस प्रकार से मानवीय मन स्थितियों पर प्रभाव डालती हैं और उसके मूल में क्या चीज होती है वो देखिएगा। विषय वस्तु सुग्राही लेखक का घटना व व्यक्ति से आत्मीय संबंध स्मृति व कल्पना का सूक्ष्म समावेश, वस्तु सौंदर्य कल्पनात्मक बिंब प्रतीक
वह नव प्रयोगों का समन्वयन विषय व व्यक्ति के घटनाक्रमों का क्रमिक अन्वेषण अब संस्मरण लेखन में एक संकलनात्मक स्वरूप होता है। वो संकलनात्मक स्वरूप कैसे होता है? घटना स्मृति तथ्य संकलन व्यक्ति केंद्रण एवं पाठकीय संचेतना संस्मरणात्मक विकास व यथा योग्य संस्मरण अभिव्यक्ति इन सब का परिणाम होता है संस्मरण रचना। इसके तीन त्रिकोण हैं। केंद्र में तो व्यक्ति है, लेखक, व्यक्ति, घटना एवं पाठक। अब संस्मरण के गुण संस्मरण कैसा है, संस्मरण की क्या परख रही और संस्मरण को किन आदर्श मापदंडों पे परखा जाता है, ये इसके अंतर्गत है। विषय को लोकप्रियता प्रदान करने वाला हो, यथासंभव रोचकता बनाए रखे, अंतिम समय तक व्यक्ति व घटना को जोड़े रखे, भाव विस्तार स्पष्ट हो, एवं मूल चरित्र जीवंत रहे। शुक्ल ने एक कथन कहा था, संस्मरण आत्म चरित्र को पर चरित्र में ढालने का वह स्रोत है जो
कहीं ना कहीं लेखकीय क्षमता को मुखर आधार प्रदान करता है। वहीं डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था, संस्मरण मानवीय चरित्र उद्घटन का रोचक घटनात्मक संकलन है। अब हम संस्मरण विधा के मूल स्वरूप से हम परिचित हो गए, किंतु यह संस्मरण विधा किस प्रकार से लोकप्रियता के मापदंड स्थापित करती है वो देखते हैं। इसमें प्रमुखतः लेखक व्यक्ति, व्यक्ति से गहन लगाव और उस वो व्यक्ति इसके चिंतन के केंद्र में रहता है। अब किसी व्यक्ति के बाल्यकाल, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था को इसको क्रम के अनुसार उसकी घटनाओं को संजोता है और ये मेमोयर्स पर जो इसका शाब्दिक अर्थ है स्मृति, ये शब्द अस्तित्व में आया संस्मरण। लेखक स्मृतियों पर तीन चीजें पूर्णतः जुड़ी होती हैं, लेखक व्यक्ति से पूर्ण संबंध और उसका क्रिया व्यापार। ये लेखक की जो तीन चीजें हैं कि पाठक की मनोस्थिति, क्रिया व्यापार और पूर्ण संबंध, ये तीन लेखक को घटना को सिले सवार यानी क्रमिक रूप से जोड़ने का अवसर प्रदान करते हैं। फिर घटना स्मृति, फिर तथ्य संकलन, व्यक्ति केंद्रण, पाठ की संचेतना, संस्मरणात्मक विकास और संस्मरणात्मक अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति में मूलतः तीन चीजें हैं, जैसे संस्मरण रचना है, इसमें लेखक, व्यक्ति, घटना अथवा पाठक ये जुड़े हुए होते हैं। फिर बच्चों, संस्मरण लेखन की विशेषता है कि ये विषय वस्तु को सुग्राही मतलब एक सहज स्पष्ट करने वाला और सहज बताने वाला बना देते हैं कि जिसे हम ग्रहण कर सकें। फिर लेखक का घटना व व्यक्ति से आत्मीय संबंध, जब तक हमारी किसी विषय वस्तु में आत्मीयता नहीं होगी तब तक हम उस चीज़ को समझ नहीं सकते। स्मृति व कल्पना का सूक्ष्म समावेश, वस्तु सौंदर्य, कल्पनात्मक बिंब, प्रतीक व नव प्रयोगों का समन्वयन, विषय व व्यक्ति के घटनाक्रमों का क्रमिक अन्वेषण। फिर संस्मरण के गुण, कि संस्मरण के गुण क्या हैं, विषय को लोकप्रियता प्रदान करने वाला हो, यथासंभव रोचकता बनाए रखे, अंतिम समय तक व्यक्ति व घटना को जोड़े रखे, भाव विस्तार स्पष्ट हो और मूल चरित्र इसका जीवंत रहे। फिर इसका स्वरूप क्या है, कि संस्मरण विधा का स्वरूप कि लेखक घटनाक्रम को इतिवृत्तियों में, इतिवृत्तियों से हमारा तात्पर्य वे समय, वे कालखंड जिन कालखंड में लेखक ने उस घटना को उस व्यक्ति के रूप में जिया है, क्योंकि वो व्यक्ति के साथ में गहन लगाव रखता है तो परखता है कि ये समाज को और साहित्य को और पाठक वर्ग को ये क्या चीज़ प्रदान कर सकता है। इसलिए यहाँ पे क्रिया व्यापार को मान्यता प्रदान करता है, पाठक वर्ग की तुष्टि के पाठक वर्ग संतुष्ट होना चाहिए को अंगीकार करते हुए यथा योग्य उसको संप्रेषणीय बनाता है। और इसके संदर्भ में ये तीन कथन हैं कि संस्मरण वस्तुतः मानवीय परिस्थितियों का वह स्वतंत्र चित्रण है जो विविध क्रियाकलापों का यथासंभव व्यक्ति विशेष के संदर्भ में पूर्ण केंद्रण प्रस्तुत करती है। ये पद्म सिंह शर्मा का है और इनके जो जो संस्मरण है वो पद्म पराग में संकलित हैं। फिर संस्मरण आत्मचरित्र को परचरित्र में यानी लेखक के चरित्र को
जो व्यक्ति है, जो घटना का दाता है, जन्मदाता है, उसमें ढालने का वह स्रोत है जो कहीं ना कहीं लेखकीय क्षमता को मुखर आदान प्रदान करता है। ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। वहीं डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि संस्मरण मानवीय चरित्र उद्घटन का रोचक घटनात्मक संकलन है। तो बच्चों, ये था आपका संस्मरण। आगामी कालांश में हम एकांकी विधा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।